नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। 2024 के इस चुनाव में अगर कोई उत्तर प्रदेश के लिहाज से सबसे बड़ा इंटरव्यू है तो वो है आकाश आनंद का। जी हां, आकाश आनंद मायावती के बीएसपी के वारिस और बीएसपी के नंबर टू नेता आकाश आनंद इस वक्त हमारे साथ हैं। और इस खास इंटरव्यू में आज हम समझेंगे कि बीएसपी को लेकर जो नया नेतृत्व है, या यूं कहें जो आगे का नेतृत्व है, वो क्या सोचता है, वो कैसे सोचता है। हमारे साथ हैं आकाश आनंद। स्वागत है आकाश जी आपका। जय भीम। जय भीम। तो आकाश जी, एक बात आपसे ऐसे शुरू करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश का जो चुनाव इस वक्त चल रहा है, तो मैंने देखा कि आप उत्तर प्रदेश के बाहर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे जी, अभी तक जी। लेकिन पहली बार है जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार में जुटे हैं जी। आपने कई सभाएं कर ली जी। आप किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, क्या खास है आपकी नज़र से? देखिए, आज तक बहन जी ने हमें बाहर की जिम्मेदारी दी थी, यूपी से बाहर की जिम्मेदारी दी। ये सारा का सारा समय जो है ट्रेनिंग में गया है, समझने के लिए कि पार्टी में काम चलता कैसे है, ज़मीनी स्तर पे कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ पर हमारे लोगों को तकलीफ़ आ रही है पार्टी को आगे बढ़ाने में। तो ये जो ट्रेनिंग का समय निकला, उससे काफ़ी चीज़ समझ में आई है। और अब इलेक्शन के दौरान एंट्री हुई है यूपी में, एंड आई थिंक अभी जो समय है वो सिर्फ अपने मूवमेंट, अपनी पार्टी, अपने बहन जी के काम को बताने का समय है। काम तो अब इलेक्शन के बाद हमें करने को मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा अभी फीडबैक मिल रहा है, काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, बहुत सब कुछ सीखने को मिला है जो बाहर से अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी लेकिन कहा यह जा रहा था कि अगर देखें तो बीएसपी ख़त्म हो रही है, बीएसपी का जो जनाधार है वो घट रहा है, बीएसपी का जो वोट शेयर है वो लगातार कम हो रहा है, सीटें बिल्कुल कम हो गई विधानसभा में, एक सीट। इस तरीके से अगर जवाब सुनते हैं तो आपको क्या लगता है कि सचमुच पार्टी बहुत मुश्किल में है, बीएसपी ख़त्म होने की स्थिति में आ गई थी? देखिए, बीएसपी एक पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक मूवमेंट है, एक मिशन है, जो बहुत सालों पहले शुरू हुआ था। तो ये 5-7 साल में ख़त्म नहीं हो सकता। पॉलिटिकली अगर हमारी सीटें कम या ज़्यादा आती हैं, हाँ उसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे वॉइस पे, हमारे पार्लियामेंट्री उस पे। बट आई फील दैट कि अगर थोड़ा सा काम में करेक्शन का ज़रूरत है, एंड आई थिंक आने वाले 5-7 सालों में आप बीएसपी को वहाँ देखेंगे जहाँ पे बीएसपी कुछ साल पहले हुआ करती थी। आपके कहने का ये आधार कैसे कि आने वाले समय में बीएसपी रिवाइव कर जाएगी और वहाँ आएगी जहाँ पर बीएसपी को लोग देखना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम पिछले 2.5-3 साल से ट्रेनिंग में थे, तो बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी कमियाँ सामने आई हैं। तो आई फील दैट कि आप आने वाले समय में वो कमियों को दूर करने का मौका मिलेगा। जैसी वो कमियाँ दूर होंगी, मेरे को पूरा भरोसा है कि हमारे साथ जितने भी साथी लोग हैं जो भी पिछले कुछ समय में निराश हो गए थे, परेशान थे, अब वो वापस आएंगे और बहुत जोश से पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अगर इस चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो इस चुनाव में आपकी नज़र में बीएसपी कैसा प्रदर्शन करने जा रही है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को, पॉलिटिकल पंडितों को, राजनीतिक विश्लेषकों को अभी भी उम्मीद नहीं है कि इस चुनाव में बीएसपी कोई बहुत बड़ा बदलाव कर लेगी या बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। आप कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, जैसा कि आप, बाकी सब लोग, मीडिया बंधु भी काफ़ी अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन से ऐसे एनालिस्ट हैं जो बहुजन समाज पार्टी को बोल रहे हैं कि पीछे रह जाएगी, बट बहुत से लोग हैं, ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रही है कि हमारा जो समाज जो इधर उधर भटक गया था वो काफ़ी तेज़ी से वापस आ रहा है। तो आई फील दैट इस चुनाव में भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ सीट्स में आप अंदाज़ा बता पाएंगे कि सीट्स आप कितनी जीत पाएंगे, कितनी जगहों पे आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे? देखिए, सीट्स का तो लास्ट इलेक्शन की काउंटिंग डे तक पता नहीं चलता है।
ये तो आप बहुत बखूबी जानते हैं, आपने तो इलेक्शन बहुत नज़दीकी से कवर किया है, कि हारता हुआ कैंडिडेट को जिताना या विपक्षी पार्टियाँ जो सरकार में बैठती हैं वो कैसे कर लेती हैं। तो सीट्स पे कमेंट करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार ही हमारा वोट शेयर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आकाश जी, अभी जो पहली आपकी सभा थी नगीना में, मैं वहाँ पे था, मैं आपको वहाँ सुन रहा था जी, तो लोग आपके बहुत ही सौम्य और उस बात कर रहे थे कि बहुत सॉफ्ट और सौम्य चेहरा है, लेकिन जब हमने सुना तो एक फायर ब्रांड नेता की तरह का आपका भाषण था जी। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे है कि हम देखते हैं आपको बहुत ही सौम्य और बहुत ही सॉफ्ट, लेकिन जब आप मंच पर बोल रहे हैं तो मंच पर तो आप एकदम फायर ब्रांड हैं। मंच से मुझे अपने सभी साथी लोगों से बात करने का मौका मिलता है। अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कोई चिक्कम चिक्की नहीं कर रहा, चिल्ला नहीं रहा, गुस्सा नहीं कर रहा, पर जब मंच से बात करते हैं तो हम मुद्दे लेके खड़े होते हैं, वहाँ पे अपने लोगों के बीच में हम अपने मुद्दे लेके खड़े होते हैं। अब मुद्दों पे हालात ऐसे हैं, वो पॉइंट्स ऐसे हैं कि उसमें इमोशंस निकल आते हैं कि ये जो है वो गलत है। अब जो गलत हो रहा है उस पर गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा, बताइए, आप ही बताइए। तो जो गलत हो रहा है वो गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए बुरा तो फील होता ही है, वैसे ही बातें निकल के सामने आ रही हैं। एंग्री यंग मैन के तौर पर हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब आपसे बात करते हैं तो आपका बिल्कुल अलग अंदाज है जी। तो एंग्री यंग मैन आई थिंक एजेंडाज, पॉइंट्स और उसको लेके होता है। अगर कुछ गलत है तो उसके लिए गुस्सा आएगा, और अगर कुछ गलत नहीं है तो वो बड़े प्यार मोहब्बत से बात की जाएगी। आप 24 घंटे हॉट हेडेड होके नहीं काम कर सकते, आपको शांति से पेशेंटली होके चीज़ों को एनालाइज करके काम कर लेना पड़ता है, डिसीजंस वैसे ही लिए जाते हैं। आपको लगता नहीं है कि कहीं आपका समाज भी एक इसी तरीके के एक एंग्री यंग मैन को ढूंढ रहा है, कि जो जो युवा है, जो दलित युवाओं का एक बहुत बड़ा तबका है, वो कुछ ऐसा ही फायर ब्रांड ढूंढ रहा है बीएसपी के भीतर? देखिए, जो युवा है ना, वो इस एज पे इमोशनल बहुत होता है, पर हमारा युवा जो है ना, हमारे समाज से, वो पढ़ा लिखा भी है, तो वो जानता है कि कहाँ पे गुस्सा, कहाँ पे एंगर, कहाँ पे एजिटेशन की ज़रूरत है, और कहाँ पे ठंडे दिमाग से सोच के सही तरीके से डिसीजन लेना पड़ता है। सो मुझे लगता है कि उन्हें दोनों चीज़ चाहिए, उन्हें वो एंग्री यंग मैन भी चाहिए, उन्हें एक कूल हेडेड, ठंडे दिमाग से सोचने वाला एक नेता भी चाहिए, एक लीडर भी चाहिए, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में सही डिसीजन ले सके। बहन जी ने दोनों चीज़ दिखाई थी, माननीय साहब सोच समझ के डिसीजन लेते थे, तो आई थिंक वो दोनों क्वालिटीज़ को इम्बाइब करना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे लीडर में, स्पेशली दलित लीडर में, क्योंकि यहाँ पे हमारे समाज से निकला हुआ एक शब्द बहुत जल्दी तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट किया जा सकता है, तो उस वक्त आपको बड़े संभल के अपने शब्दों का चयन करना चाहिए जी। तो आपको लगता है कि इन दोनों का मेल है आपके भीतर? ये तो अब आप बोल रहे हैं कि मैं स्टेज पे एंग्री यंग मैन हूँ, और आपसे जब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ तो मैं बहुत सॉफ्ट स्पोकन हूँ, सो आई थिंक आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आकाश जी, बीएसपी को ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी या मिशनरी वर्क से निकली हुई पार्टी माना जाता है जी, और आज भी बीएसपी अपने कम से कम उस एक पहचान को बीएसपी बना करके रखी है जी। लेकिन विदेश से पढ़ा हुआ एक लड़का, बाहर से एमबीए करके आया हुआ लड़का जी, कैसे इस बीएसपी को अब फर्श से अर्श तक ले जाने की सोच रहा है, फिर से कैसे वापस बसपा को उस लेवल पर ले जाने की सोच रहा है, क्या है आपका एजेंडा? देखिए, जब पार्टी शुरू की गई थी तब एक तरीका था, एक तरीका था जिसको इस्तेमाल करके मान्यवर साहब और बहन जी ने पार्टी के मूवमेंट को खड़ा किया, ग्राउंड लेवल से कार्यकर्ता को जोड़ा और फिर एक मूवमेंट को एक गति दी। पिछले 7-8 सालों में आप भी जानते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी, कैसे एज, यूथ का तरीका बदल गया है काम करने का, समझने का, सुनने का और अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का। अब मेरे पढ़ाई लिखाई से ऑफकोर्स मेरे को एक थोड़ी सी एडवांटेज है, मैं समझता हूँ कि किस तरीके से आज के टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने युवा को चैनलाइज़ करना, उसकी एनर्जी को चैनलाइज़ करना। तो मुझे लगता है, वेरी कॉन्फिडेंट, कि आने वाले समय में, अगले 2.5-3 साल में, हम वो बहुत सारी चीज़ें ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे
जिससे हम अपने यूथ को वापस और अपने कैडर को वापस रिवाइव करके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं। नया जो दलित यूथ है वो बहुत एस्पिरेशनल है जी, है ना, तो बीएसपी कैसे उसका नेतृत्व कर पाएगी? बीएसपी ने एस्पिरेशन देखना सिखाया है। बाबा साहब ने एक एक विजन देके गए थे, उन्होंने हमें सारी सुविधाएं दी संविधान में, फिर मान्यवर साहब कांशीराम जी ने उस विजन तक चलने का एक रास्ता दिखाया था, उन्होंने एक पाथ दिया और बहन जी ने उस पाथ पे चल के दिखाया। सो वो एस्पिरेशन को इग्नाइट करना यूथ में, अपनी कम्युनिटी में, वो बहन जी और मान्यवर साहब ने करके ऑलरेडी दिखाया है। हमें बस उस फॉर्मूला को दोबारा से समझ के अच्छे तरीके से आज के टाइम में इम्प्लीमेंट करना है। सो बहन जी का ही बताया हुआ रास्ता है, मान्यवर साहब का ही बताया हुआ रास्ता है, बहन जी का तरीका है, हम बस उसको फॉलो करेंगे आज के डे एंड एज में। लेकिन जब हम यूथ की बात कर रहे हैं, दलित यूथ की बात कर रहे हैं, तो एक नाम इन दिनों उभर कर आ रहा है, वो है चंद्रशेखर आज़ाद का। चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी लोग उन्हें कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर सियासत में उभर रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से चंद्रशेखर एक आप दलित पॉलिटिक्स में एक नाम होकर के उभरे हैं और आपको सीधा चैलेंज कर रहे हैं। देखिए चैलेंज, मेरी कंसर्न चैलेंज या किसी के कोई तरीके किसी का उठ के आवाज़ उठाना कोई चैलेंज नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। आई एम श्योर अगर कोई पॉइंट रेस करे गए हैं तो वो कोई वैलिड रीज़न के लिए ही करे गए होंगे, पर जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो बहुजन समाज की आइडियोलॉजी से बहुत अलग है, उससे नुकसान ज़्यादा होता है फ़ायदा कम होता है। आप चाहे मान्यवर साहब को देख लीजिए, मान्यवर साहब ने एक बड़ा फेमसली बोला था कि मैं सड़क पे उतर के आंदोलन नहीं करता, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, क्योंकि मेरा काम सोच के अपने समाज को आगे बढ़ाने का है। तो सही तरीके से वो जो रास्ता दिया हुआ है मान्यवर साहब ने, उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि अगर हम सड़क पर उतर के झगड़ेंगे, गवर्नमेंट से झगड़ेंगे, सिस्टम से लड़ेंगे, तो उसमें क्या है, हमारे समाज के पास इतना पैसा नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो अगर उन पर कोई मुकदमा हो जाए, कोई केस हो जाए, तो वो अपना घर का खर्चा चला ले। देर इज़ अ लॉट ऑफ चैलेंज इन दैट मेथड, द वे ही इज़ डन इट। हमें लगता है कि राजनीति एक शतरंज की खेल की तरह है, उसको सोच समझ के खेला जाता है, ऐसे लड़ झगड़ के नहीं, तो उसमें हमारे समाज का नुकसान ही हुआ है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे समाज के सभी साथी लोग, ना कि खाली युवा, बड़े बुजुर्ग भी हमारे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और सही रास्ता अपनाएंगे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा क्योंकि नगीना में आपने, जिसे मैं कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, उस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को आपने सीधा चैलेंज किया और कहा कि ये आपकी राजनीति का रास्ता नहीं हो सकता। देखिए हमने चैलेंज कोई, मैं कोई नेता थोड़ी ना जो उठ के आज बोल रहा है कि ये गलत तरीका है। ये मान्यवर साहब ने भी हमें तरीका बताया कि क्या फॉलो करना है, बहन जी ने वो फॉलो करके दिखाया और 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बना के दिखाई है। सरकार बनाकर क्या काम हो सकता है वो हमारे सभी लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है। आज हम इतने बड़े पार्क में खड़े हैं, ये उसी का नतीजा है। ये सड़क पे उतर के लड़ाई झगड़ा करके ये सब नहीं हासिल किया जा सकता। लेकिन आकाश जी, एक कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स आई है पिछले दिनों में, आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी ने इस तरह की पॉलिटिक्स को दिया, जब सड़क पर उतरे, सड़क पर आंदोलन किया, उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई, उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई, तो बीएसपी ऐसे आंदोलन से दूर क्यों? देखिए जिस समाज को आम आदमी पार्टी ने रिप्रेजेंट किया है और जिस तरीके से उन्होंने वो किया है, वो उसमें और बहुजन समाज में, स्पेशली स्टेट लाइक यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सब स्टेट्स में दिल्ली से बहुत अलग है। और पंजाब और दिल्ली का हाल आज आप खुद देख रहे हैं, दिल्ली में क्या दिक्कतें आ रही हैं और पंजाब में क्या दिक्कतें आ रही हैं। ये कॉन्फ्रेंटेशन वे ऑफ पॉलिटिक्स डज नॉट वर्क विद, एटलीस्ट विद बहुजन समाज, उसके साथ ये चलता नहीं है। लेकिन जब भी बीएसपी की बात होती है तो बीएसपी के साथ एक चीज़ चिपक जा रही है जी, और वो चिपकती है ये कि बीएसपी जो है वो बीजेपी की बी टीम हो गई। आप भी इस बात को लगातार सुनते होंगे। हाँ। आपको लगता है कि ये ऐसा एक सवाल है जो चिपक रहा है आपके साथ? देखिए बीजेपी की बी टीम होना ये तो प्रोपेगेंडा है। अब
अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में ही बता सकता है एक आम आदमी कि भाई कौन किसका वोट काटने के लिए किसने प्रत्याशी खड़ा किया है। हमें नहीं लगता कि अगर कोई समझदार आदमी है जो चीज़ों को पॉलिटिक्स को थोड़ा सा भी समझता है वो हम पे ये टैग लगाएगा। हाँ बेशक प्रोपेगेंडा फैलाने वाले तो बहुत सी पार्टियां हैं, बहुत से लोग हैं जो बीएसपी को बीजेपी की टीम बोलते हैं, बी टीम बोलते हैं, पर अगर कोई आज मैदान में खड़े होके एक्चुअली उनकी कमियों को गिनवा रहा है, उनके मुद्दों पे उठा रहा है, जो गलत हुआ है उन मुद्दों को उठा रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि बीएसपी के अलावा और कोई है आज की डेट में। कोई भारत जोड़ो की बात कर रहा है, कोई फ्री में राशन देने की बात कर रहा है, कोई रोज़गार पे बात नहीं कर रहा, कोई डेवलपमेंट पे बात नहीं कर रहा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं कर रहा है, कोई लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं कर रहा है। बी टीम तो वो हैं जो हमारे समाज को असली चेहरा नहीं दिखा रही बीजेपी का। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत बड़ा वर्ग है जी, मुस्लिम मतदाताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है जी, जिसका भरोसा आप पर हो नहीं पा रहा। मैं इसलिए एक सवाल कह रहा हूँ जी, क्योंकि आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाई बसपा और बसपा का जो अपना अगर वोट बैंक की बात कर लें, हाँ। वो अगर अपने आप में इतना है कि वो कई सीटों पर जिताऊ कैंडिडेट वो जिताऊ बन जाता है, मुस्लिम और दलित अपने आप में इतनी बड़ी बिरादरी है। लेकिन पिछले कुछ चुनाव से देखा जाए, हालांकि पिछले में आप सपा और बसपा में एक साथ मिलकर के लड़े थे तो आप 10 सीटें लाए और सबसे कह सकते हैं कि बड़ी पार्टी के तौर पर थे आप यहाँ पर जी। लेकिन आपको लग रहा है कि मुसलमानों में वो भरोसा है या उसको आपको और जीतने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुस्लिम ज़्यादातर उनका जो झुकाव है वो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है उसकी तरफ दिखता है। देखिए किसी समाज के भरोसे को जीतना आई थिंक ये गलत तरीका होगा पुट अक्रॉस करने का। उस समाज को समझना होगा कि भाई उस पे जब अत्याचार हुआ तो किसने आवाज़ उठाई, किसने उनके लिए काम किया, किसने उनके लिए काम नहीं किया। अब आप बताइए कि समाजवादी पार्टी 2022 के इलेक्शन में मुस्लिम समाज के वोटों से जहाँ तक पहुँची सो पहुँची, पर पिछले 2.5 साल में कितना अत्याचार हुआ इस समाज पर, और कितनी बार समाजवादी पार्टी के नेता लोग सड़क पर उतर के या प्रेस में आके उसका विरोध किया। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक ऐसा इंस्टेंस रहा होगा कि समाज पार्टी के अध्यक्ष जी ने कुछ ऐसा कॉमेंट दिया हो या कोई चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया हो जिससे लगे कि हाँ वो उन समाज के साथ खड़े हैं। परंतु अगर आप नोट करेंगे पिछले 2.5-3 साल में ही नहीं, जब से बहन जी पॉलिटिक्स में हैं तब से मैम ने हमेशा हर समाज में से सब जितने भी कमज़ोर वर्ग है सबके लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। जब भी कहीं गलत होता है, जब भी कोई चीज़ गलत डायरेक्शन में जाती है तो उसको हाईलाइट करना, उसको लोगों के सामने रखना, उसके लिए लड़ना बहन जी ने करा है। तो मुझे लगता है कि समाज को अब वो धीरे धीरे चीज़ दिख रही है, और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज अनपढ़ है, वो पढ़ा लिखा समाज है तो वो भी देख रहा है कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ है। नहीं, कई बार बीजेपी से अलाइन करना कहीं लगता है कि आप लोगों की ऐतिहासिक भूल जैसी रही, नहीं जाना चाहिए था बीजेपी के साथ, नहीं तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कभी ऐसा नहीं है कि हम किसी से अलाइन नहीं होते। हम इलेक्शन हमेशा अपने बलबूते पर लड़ते हैं, अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं, उनके फ़ायदे के लिए लड़ते हैं, पर एक बार अगर हमें मौका मिलता है कि हम सत्ता तक पहुंच जाए तो हम अपने लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं। तो उसका सत्ता तक पहुंचने के लिए चाहे किसी का भी इस्तेमाल करना पड़े हमें, किसी भी पार्टी का, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके साथ आज भी है कि कल को अगर फिर सत्ता में पहुँचने के लिए बीजेपी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बीजेपी का साथ ले सकते हैं? ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इस्तेमाल करते हैं, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी। हमारा समाज अपने आप में बहुत काबिल है, बहुत मजबूत है, हम लोगों का इस्तेमाल करके हाँ सत्ता की चाबी अगर ले सकते हैं हम ज़रूर लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी के साथ आप कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, या सत्ता की चाबी के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम इस्तेमाल करेंगे? देखिए सत्ता की चाबी के लिए हम जिससे भी हाथ हमें मिलाना पड़े उस समय हम मिलाएंगे और अपने लोगों के लिए काम करेंगे। जब आपको अपनी सत्ता हाथ में लेनी होगी, हमें आपका मतलब कहने का मतलब है कि जब आपको सत्ता अपने हाथ में लेनी होगी, हाँ। आप सत्ता में आने वाले होंगे तब आपको ज़रूरत पड़ी तो आप बीजेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें सत्ता तक पहुंचा दे। समाजवादी पार्टी
पिछले दिनों अगर देखा जाए तो आप पर बहुत हमलावर रहे, यहाँ तक कि जो इंडिया गठबंधन में जाने की बात चर्चा निकली उसमें ये तक कहा गया कि आपका विरोध उस गठबंधन के बैठकों में किया गया, हालांकि सार्वजनिक तौर पर यह नहीं आया सामने। आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आपके लिए बड़ा चैलेंज है इस वक्त या बीजेपी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री इस तरह की चीज़ें तो बनी हुई हैं? देखिए, चैलेंज जो है आज के राजनीतिक हालात जिस तरीके से हैं, चैलेंज हमारे समाज के लिए, हमारी पार्टी के लिए करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जिस तरीके से उन्होंने भारत में काम किया है वो हमारे लिए चैलेंजेस है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का होना ना होना वो हमारे लिए चैलेंज नहीं है। चैलेंज तब होता जब हमारे पास अपना कोई मिशन या मूवमेंट नहीं होता, हमारा कोई आधार नहीं होता, पर हम बाबा साहब के विचारों की चलने वाली पार्टी है, तो जब तक उनके विचार हमारे साथ हैं, जब तक हम उनको साथ में रख के इस पार्टी या इस मूवमेंट को चलाते रहेंगे, तब तक कोई ऐसा पार्टी या पॉलिटिकल मूवमेंट मुझे नहीं लगता कि हमारे को कोई चैलेंज ऐसा पोज कर सकता है। आपको लगता है कि कांग्रेस को आपके साथ आना चाहिए था या आपको कांग्रेस के साथ अलायंस करना चाहिए था? इसलिए क्योंकि देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अलायंस कर लिया, बहुत समय तक ये चर्चा थी कि कांग्रेस बसपा के साथ जाएगी, बहुत सारे नेता ये बोलते रहे कि हमें बीएसपी के साथ चलना चाहिए। आखिर आपने कांग्रेस से या दूसरे दलों से अपने को क्यों इतना दूर कर लिया, खास करके कांग्रेस? देखिए, बहन जी ने सबसे पहले बोला था कि वो ये आने वाला लोकसभा आम चुनाव अकेले लड़ेंगे, हम बीएसपी अकेले लड़ेगी। ये बार बार कांग्रेस के लोगों ने और बाकी के जो विपक्षी लोग हैं उन्होंने ये बार बार एजेंडा फैलाने की कोशिश करी, प्रेशर बनाने का कोशिश किया कि बीएसपी को कांग्रेस से मिलना चाहिए या समाजवादी इंडी गठबंधन में आना चाहिए, विच आई थिंक दैट जो चीज़ एक बार एक क्लेरिफाई कर चुके हैं बहन जी, एक नहीं कई बार क्लेरिफाई कर चुकी कि हम अकेले लड़ेंगे, ये चीज़ों को बार बार रिपीट करके उस चीज़ को, क्योंकि अब सब तरफ यूथ की बात हो रही है, हर तरफ से यूथ लीडरशिप आ रहा है, अब कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, आप हैं, बीजेपी भी अपने यूथ लीडरशिप को डेवलप कर रही है, तो कोई ऐसा यूथ कनेक्ट आपको कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखता है? देखिए, समाजवादी पार्टी में यूथ आई थिंक 45 प्लस है और कांग्रेस में यूथ आई थिंक 50 प्लस चल रहे हैं। आई थिंक यूथ का डेफिनेशन सबको एक बार समझना चाहिए कि क्या है, फिर हम उस पर बात कर सकते हैं कि यूथ लीडरशिप कहाँ आ रही है और कहाँ नहीं आ रही। जी, आपके आपकी पार्टी को पिछले कुछ सालों में खूब तोड़ा गया, जितने बड़े और ज़मीनी नेता थे वो एक एक करके या तो निकल कर चले गए दूसरी पार्टियों में जाकर बड़े बन गए, सांसद, मंत्री, यहाँ तक कि उपमुख्यमंत्री तक दूसरी पार्टियों में जाकर के बने। आपको इतना बड़ा नुकसान इन पार्टियों का, इन नेताओं का हुआ है, आपको लगता है कि ऐसे नेताओं को दोबारा से आप अपनी पार्टी में लाने पर सोचेंगे या फिर जो गए सो गए, आप नया नेतृत्व उभारेंगे? देखिए, पहली बात तो बहन जी ने बीएसपी के द्वारा नेता बनाने का काम किया है, हर एक व्यक्ति को वो ताकत दी, वो प्लेटफॉर्म दिया बोलने का, अपनी बात रखने का, अपने समाज के लिए अपनी बात रखने का मौका दिया, जिससे वो एक नेता बने। और ये समाज जानता है कि जिस पार्टी ने उनको वो मौका दिया था, अगर आप उससे गद्दारी करेंगे तो वो समाज उसके साथ नहीं जाएगा। तो आज चाहे कोई भी कितना भी बड़ा नेता किसी और विपक्षी पार्टी में जाके बन जाए, अगर आज उसको आप इलेक्शन में खड़ा कर दें, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी ज़मानत भी बचा पाएगा। तो चाहे वो मंत्री रहें या उपमंत्री रहें, वो मुख्यमंत्री रहें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई उस चीज़ का दुख है या उस चीज़ का कोई गम है कि कोई चला गया हमें छोड़कर। हमारे यहाँ पे हमेशा से, हर समाज से, स्पेशली पिछड़े समाज से, बहन जी ने, बीएसपी ने नेता बनाने का काम किया और आगे भी नेता बनाते रहेंगे। लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद 2027 का चेहरा है, 2027 की तैयारी है, 2024 तो झांकी है, तो क्या माना जाए 2027 में आप मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? 2027 की तैयारी आपकी कैसी है, क्या अलग होगी या किस तरीके से देखें? ये अगर कोई न्यूज़ चला रहा है कि मैं कोई चेहरा हूँ, वो बेहद एक गलत स्टेटमेंट है। बहन जी हमारी नेता हैं, बहन जी ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चेहरा हैं, और जब तक बहन जी हैं, जब तक बहन जी अपना आदेश नहीं देती, तब तक
वही हमारी नेता, वही हमारी मुख्यमंत्री, वही हमारी प्रधानमंत्री, वही हमारी देवी हैं। तो हम उनके लिए काम कर रहे हैं और जब तक वो हमें इजाज़त देंगी, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब तक वो हमें इजाज़त देंगी तब तक हम मूवमेंट के लिए, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो ये आई एम ऑल्सो जस्ट अ वर्कर, जैसे बाकी सब कार्यकर्ता हैं वैसे मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ, मेरे को थोड़ी सी ज़्यादा जिम्मेदारी है, बस उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आकाश जी, एक बात और जो आपके साथ अब जुड़ रही है, जुड़ी जा रही है, वो ये कि आप भी उसी परिवारवाद का, उसी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा होते जा रहे हैं, क्योंकि मायावती और मायावती के बाद आप उनके भतीजे। जी देखिए, पहले हम अपनी बात करते हैं, तो बहन जी ने हमसे पहले बहुत से लोगों को मौका दिया और बहुत से पदों पे रखा और उन्हें बता के बोला कि अगर आप इसको संभाल पाएंगे तो आप ही को आगे हम प्रोजेक्ट करेंगे। परंतु बहन जी ने हर बारी जब जब किसी को ग्रूम करने की कोशिश करी तब तब उन्हें बता के किया कि आपको इसके लिए रेडी किया जा रहा है, परंतु किसी कारण से वो लोग नहीं उस चीज़ पे उतर पाए। और ज़रूरी नहीं है कि इसको डायनेस्टिक का नाम दिया जाएगा, इसमें डायनेस्टी के नाम पे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से जो चलती हैं, पर अगर आप केपेबल हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ऑफकोर्स चेंज आता है। केपेबल होंगे हम संभाल ले जाएंगे, आगे बढ़ा लेंगे पार्टी को, केपेबल नहीं होंगे तो ये मार्केट की तरह है, कोई ना कोई और केपेबल, मोर केपेबल पर्सन विल कम इन और वो ले जाएगा। तो हमें इस चीज़ को बोलना कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या परिवारवाद है, वो शायद थोड़ा सा गलत होगा। हम अभी कोशिश कर रहे हैं निभाने की, वो जो जिम्मेदारी दी गई है उसको निभाने की, लेकिन की एक चीज़ देखा गया है कि मायावती कई मायनों में, कहा जाए पॉजिटिव सेंस में, कि थोड़ा रूथलेस रही हैं। अगर उन्हें पसंद नहीं आया तो फिर उसके लिए जगह नहीं है, एक मिनट में फैसले लेती रहीं और किसी को हटाना हुआ तो एक मिनट में हटाया, उन्होंने कभी सोचा नहीं। जी तो जब हम एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, परिवारवाद की बात, ये आप पर तो लागू नहीं होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। बहन जी, बाय द वे, पहले तो डिसीजन बहुत सोच समझ के लेती हैं, क्विक लेती हैं, बट उस चीज़ को पूरा एनालाइज करके फिर एक कॉल लेती हैं कि इस पर क्या एक्शन लेना है। और रही बात रूथलेस या उसकी कि वो टफ़ डिसीजंस लेती हैं, एक अच्छे लीडर की पहचान ही उसके टफ़ डिसीजन से ली जाती है। सो उन्होंने हम जब भी कोई डिसीजन लिया सही लिया है और आगे भी जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। अगर हमसे गलती होगी तो हमें डांट भी पड़ेगी, हमें अलग भी किया जाएगा। और इस चीज़ के लिए उन्होंने आज नहीं, हमें बहुत पहले बताया था कि अगर आकाश ये जिम्मेदारी या इस चीज़ के लिए आपको हम आगे तैयार कर रहे हैं तो उसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये विरासत नहीं है, ये मेरी विरासत नहीं है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, ये एक बहुजन समाज की जिम्मेदारी है जो तुम्हारे कंधों पे डाली जा रही है। तो इसके साथ कोई रियायत नहीं है, इसमें कोई रियायत नहीं है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये चीज़ हमें बखूबी पता है। और अगर किसी के माइंड में ये सेकेंड थाट है कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है या हम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारी गलतियाँ माफ़ हैं, तो ये उनके माइंड में एक गलत फहमी है। आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें खूब डांट पड़ती है, हमें खूब झाड़ पड़ती है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ती। और अगर हमें बड़े डांटेंगे नहीं हमारे तो हम सीखेंगे कैसे, तो वो तो है। मैं इसी सवाल पे इनफैक्ट आ भी रहा था कि आपकी ग्रूमिंग जैसे हुई, फैमिली है आपकी, मायावती का एक चेहरा जो पूरी दुनिया को दिखता है कि मायावती बहुत टफ है जी, लेकिन आकाश आनंद के साथ मायावती कैसी है? देखिए, प्रोफेशनली अगर पूछेंगे तो वो वैसी हैं जैसे सबके साथ हैं, बाकी सब कार्यकर्ताओं के साथ हैं, बाकी सब अपने पदाधिकारियों के साथ हैं, नेताओं के साथ हैं, वैसी हमारे साथ हैं। हम भी लाइन में ही खड़े हैं, हमारे से सीनियर हैं, हम उनके पीछे खड़े होते हैं, हम उनसे आगे नहीं खड़े होते। और जो ट्रीटमेंट सबको मिलता है वही ट्रीटमेंट हमें मिलता है। रही बात पर्सनल फैमिली होके, फैमिली में आई एम श्योर अगर आप लोगों को कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको पर्सनल साइड भी दिखाएं, बट वो हमें माँ की तरह प्यार करती हैं, हम उन्हें बुआ माँ बोलते हैं, बचपन से उनके साथ रहे हैं, तो उनके स्ट्रगल्स, उनके पर्सनल अफेक्शंस, क्या चीज़ उन्हें पसंद है, क्या चीज़ उन्हें कभी हर्ट कर सकती है,
कितना वो बच्चों को प्यार करती हैं, वो भी एक माँ की तरह हमेशा अपने हमें हमेशा रखा है। और खाली हमारे हमारे साथ ही नहीं, जब भी पार्टी में कोई नया बच्चा पैदा होता है किसी के यहाँ पे, वो आता है लेके आता है, तो उसके साथ वैसे ही बिहेव करती हैं जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है। ये साइड बहुत कम लोग जानते हैं या देख पाए हैं अभी तक जी बहन जी का। तो आपके बारे में एक और बात कही जाती है कि आप उनके लकी चार्म हैं। कहा जाता है कि जब आप पैदा हुए तब उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली, फिर आपके भाई आपके बहन आए तब उनको मुख्यमंत्री, कुछ ऐसा है लकी चार्म जैसा? नहीं, हम लक वक्त में नहीं मानते। बहन जी ने मेहनत करी है, उस चीज़ को लक से लिंक करना बहुत नाइंसाफ़ी और एक गलत चीज़ होगी, क्योंकि जो उन्होंने संघर्ष किया है वो आप सब ने उनको बढ़ते हुए देखा है, उनका संघर्ष आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है, देखा है किस तरीके से उन्होंने अपने समाज के लिए दिन रात एक कर कर अपना पूरा परिवार त्याग करके इसको यहाँ तक लेके आई हैं। तो उसको हम लक से डिफाइन नहीं कर सकते, लक से एसोसिएट नहीं कर सकते। हाँ, हम ये हम अपने आप को लकी मानते हैं कि हमें बहन जी जैसी नेता मिली हैं जिन्होंने इस समाज को यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। एक सवाल मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि जब मैं हाल में आपको रैलियों में सुन रहा था जी, तो आपका जो लुक है या जो आपका अक्स है, जिस तरीके से आपने अपने को बनाया है, बहुत कुछ मायावती से मिलता जुलता है, हेयर स्टाइल, कानों में बाली। मैं इस सवाल को पूछने की लिबर्टी ले रहा हूँ कि क्या ये आपने आपको लगता है कि इस लुक के साथ लोग ज़्यादा एसोसिएट करेंगे? मैंने इस लुक को इस पर्पज़ से नहीं बिल्ड किया है कि कोई मुझसे ज़्यादा एसोसिएट करे। हर कोई अपने लीडर को या जिससे वो बहुत प्रभावित होता है उसको इमुलेट करता है, उसके जैसे बनना चाहता है। तो हम भी बहन जी को देखते हैं किस तरीके से वो रहती हैं, किस तरीके से वो बातचीत करती हैं, तो हम भी अपने आप को उनकी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक छोटा सा गिल्टी, आप हमें यू कैन कॉल मी गिल्टी फॉर दैट, बट हाँ, हम कोशिश करते हैं कि हम भी बहन जी की तरह बन सकें, उनकी तरह दिख सकें। पर जो बहन जी का संघर्ष है, हम उसको भी कोशिश करते हैं कि उस संघर्ष को समझें और उसको उस पद उस उनके रास्ते पर चल सकें, तो वो भी हम कोशिश करते हैं, ना कि खाली दिखावे में, देखने दे पहन रहन सहन में, पहनावे में, बट उनके संघर्ष को भी हम फॉलो करें। चलिए, बिल्कुल आखिरी सवाल की तरफ हम हैं जी। आप इस चुनाव में जी और 2027 में जी अपनी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि किसी भी तरीके का गठबंधन बीजेपी से संभव नहीं है, तो क्या किसी भी तरीके का गठबंधन अखिलेश यादव से, राहुल गांधी से आने वाले वक्त में संभव है? देखिए, 2024 और 2027 पार्टी, जैसे बहन जी ने आपको बताया, सबको बताया है कि हम अकेले ही लड़ रहे हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएं और बहन जी को प्रधानमंत्री की उसमें पोजीशन पे देखें। और रही बात 27 की, तो 27 में भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है बहन जी की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि हम किसी के साथ गठबंधन करेंगे। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे, और जैसा समय आएगा, जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन बनेगी, तब की तब देखी जाएगी। बहन जी उस चीज़ का उस वक्त सही डिसीजन लेंगी, जैसा भी डिसीजन लेंगी जी। बहुत शुक्रिया आकाश आपका, थैंक यू सो मच से बात करने के लिए और ग्रुप से बात करने के लिए। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। तो हमारे साथ थे आकाश आनंद, खुलकर बात की इन्होंने सियासत पर, परिवार पर, विरासत पर और पार्टी की नीतियों पर, रणनीतियों पर। इसके अलावा इन्होंने दलित नेतृत्व में उभर रहे चैलेंजर्स को लेकर भी हमसे बात की। अगली फिर किसी और शख्स के साथ मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।